नेहरू जी उनकी भाषण क्षमता पर फिदा थे। नेहरू जी को बोल देना कि आप में चैम्बरलेन भी है और चर्चिल में भी है, आप दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, या अशोका होटल के निर्माण का बिल था और उस पर नेहरू जी चर्चा कर रहे थे और एक बिल्कुल नवागत सांसद ने उठकर कह दिया कि ये बिल्कुल गलत बात है, जिस देश में हॉस्पिटल नहीं है उसमें एक पंच सितारा होटल सरकार क्यों बनाएगी। नेहरू जी झल्ला गए। नेहरू जी ने कहा बताइए नए नए आए हैं, अरे हम होटल भी चलाएंगे और उसके मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे। लखनऊ की रैली में अटल जी ने बोला चुनाव के दौरान नेहरू जी का जिक्र करते हुए कि मैंने ये बात कही थी और देखिए वो होटल आज भी घाटे में चल रहा है और हॉस्पिटल तो कितने बने आपको पता ही है। तो इस समय जब वट्स विश्वविद्यालय पर अनर्गल आरोप फैलाए जाते हैं एक दूसरे के नेताओं के प्रति, ऐसे समय में इतना सौम्य, इतना शालीन, इतना तार्किक और इतना विनोद उक्ति से भरा हुआ राजनीतिक कटाक्ष करने वाला व्यक्ति, जो अपने विरोधियों को अपनी भाषा से घेरता भी था और लेकिन उन्हें किसी बुरी नज़र से घूरता नहीं था, वो मिलना दुर्लभ है। पिछले 70 वर्षों में तो ऐसा राजनेता भारत ने नहीं देखा।